और इसी को हायर में देखे तो जो नीचे रोड है उसका कलर परफेक्ट ग्रे लग रहा है। डिसएडवांटेज इसमें यह है कि यहाँ हॉट कीज दो ही दिया है जिसमें यूट्यूब का ऑप्शन नहीं है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ जैन और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हैशटैग में। तो आज है हमारे पास MI और हायर TV और हम करेंगे कंपैरिजन इन दोनों में। हायर TV का मॉडल नंबर है LE32K6600 और MI TV का मॉडल नंबर है L32M5। तो अब स्टार्ट करेंगे हम स्टार्ट से, तो देखते हैं कौन सा TV जल्दी स्टार्ट होता है। वैसे जब पावर शट डाउन होकर ऑन होता है तो इतना टाइम नहीं लगता है, अदरवाइज 2 से 3 सेकंड में ऑन हो जाता है कोई भी एंड्रॉयड TV। तो पहले MI का TV ऑन हो गया है जिसे 34 सेकंड लगे हैं ऑन होने में और हायर TV को 37 सेकंड लगे ऑन होने में। MI में सेम मॉडल में दो TV आते हैं, एक हॉराइजन और एक नॉर्मल, और इनमें फ़र्क सिर्फ इसके बॉर्डर का है। हॉराइजन मॉडल में बेजल लेस में आता है और इस मॉडल में बॉर्डर है, बाकी पूरा TV सेम है। हायर TV में भी 32 साइज में दो मॉडल पॉपुलर है, एक ये मॉडल है और दूसरा है LE32K6200। इनमें फ़र्क सिर्फ स्मार्ट रिमोट का है, बाकी ये भी पूरा TV सेम है। दोस्तों फीचर्स की बात मैं एंड में करूँगा, पहले हम पिक्चर क्वालिटी को कंपैरिजन देखते हैं दोनों की, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है किसी भी TV के लिए। पहले मैं आपको दिखा दूँ कि दोनों भी TV अपने स्टैंडर्ड मोड पे हैं। तो अब मैं इसे बैक करता हूँ और हम पिक्चर क्वालिटी टेस्ट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ज़्यादा फ़र्क नहीं है दोनों की पिक्चर क्वालिटी में। दोनों ही TV में डिस्प्ले रेजोल्यूशन जो है हाई डेफिनेशन का दिया गया है। तो चलिए अब थोड़ा डीप में हम पिक्चर क्वालिटी को देख लेते हैं। तो थोड़ा डिफरेंस मुझे यहाँ देखने मिला इस पिक्चर में। इसमें एलिफेंट के बैकग्राउंड से जो सनसेट की लाइट आ रही है उसे MI TV वाइट कर रहा है, और उसी सेम पिक्चर को हायर TV में देखे तो सनसेट लाइट परफेक्ट लगती है और यहाँ स्काई में भी सनलाइट दिख रही है जो MI TV में बहुत कम दिख रही है। इस सेकेंड पिक्चर में यहाँ आप नोटिस कर सकते हैं जैसा कि MI TV में नीचे का जो रोड या रास्ता है वो और उसके बैक साइड में जो बैकग्राउंड है वो पूरा वाइट कर देता है। और इसी को हायर में देखे तो जो नीचे रोड है उसका कलर परफेक्ट ग्रे लग रहा है और बैकग्राउंड का भी कलर समझ में आ रहा है। सीन में मैंने नोटिस किया कि ज़मीन पे जो ग्रेस है उसका कलर में, अब यहाँ आप देखो तो नीचे इसने येलो और ग्रीन कलर को मिक्स कर दिया है और यहाँ ग्रीन थोड़ा ज़्यादा लग रहा है और येलो भी ज़्यादा है। अब सेम पिक्चर हायर में देखो तो यहाँ घास का कलर परफेक्ट लग रहा है, यहाँ येलो और ग्रीन का मिक्सअप परफेक्ट लगता है और कलर भी बिल्कुल नेचुरल लगता है। अब हम नाइट सीन भी देख लेते हैं। यहाँ तो मुझे मेजर डिफरेंस देखने मिला। यहाँ आप देखिए इस बिल्डिंग में जो लाइट है उसका कलर बहुत ही फेड लग रहा है। इसी पिक्चर को अगर आप हायर में देखें तो पूरी पिक्चर का मज़ा ही चेंज हो गया। यहाँ आप देख सकते हो कितना ज़्यादा डिफरेंस है इन बिल्डिंग्स की लाइट में, और हायर TV ज़्यादा बेटर लग रहा है। अब शार्पनेस की बात करें तो दोनों ही TV मुझे इक्वल लगा। इसमें MI के TV में मुझे फेस का जो कलर है वो थोड़ा ज़्यादा बेटर लगा हायर से। यहाँ स्किन का कलर परफेक्ट लग रहा है और यही चीज़ हायर में देखे तो थोड़ा सा स्किन कलर लाइट लगता है और ऐसा लगता है थोड़ा सा ब्यूटी मोड दिया है इसमें। ओवरऑल पिक्चर क्वालिटी दोनों की ही अच्छी है, बट हायर में कलर्स डिटेलिंग ज़्यादा बेटर है कंपेयर टू MI TV। तो अब दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं जो है साउंड क्वालिटी। अब हम दोनों में साउंड को टेस्ट करते हैं। Oh,
एमआई और हायर दोनों में ही टीवी साउंड आउटपुट 20 वॉट्स का दिया गया है। इनमें 10 वॉट्स के दो स्पीकर दिए हैं। यह एमआई का साउंड हायर टीवी से थोड़ा ज़्यादा पावरफुल लगा और हायर में साउंड की क्लैरिटी थोड़ी बेटर है। दोनों में 19 और 20 का ही फ़र्क है साउंड में। कनेक्टिविटी की बात करें तो एमआई में 3 HDMI पोर्ट है, 2 USB पोर्ट, एक AV कनेक्शन, एक LAN और एक हेडफोन जैक दिया है। वही हायर में भी आपको 3 HDMI, 2 USB पोर्ट, एक LAN और हेडफोन जैक दिया है। दोनों में ही सेम कनेक्टिविटी मिल जाती है। डिस्प्ले में भी ऑलमोस्ट दोनों सेम है। दोनों में HDR डिस्प्ले दिया है 60Hz रिफ्रेश रेट के साथ और 178 डिग्री व्यूइंग एंगल लिया है। साउंड भी दोनों में मुझे बेटर लगा। दोनों में 10 वॉट्स के दो स्पीकर दिए हैं। MI TV में DTS HD टेक्नोलॉजी दी है साउंड के लिए और हायर में डॉल्बी डिजिटल डिकॉर्डर टेक्नोलॉजी दी गई है और दोनों ही दोस्तों बेटर टेक्नोलॉजी है। फीचर्स में देखें तो ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों में एंड्रॉयड 9.0 दिया है, ब्लूटूथ दोनों में 5.0 दिया है, बिल्ट इन वाईफाई है। ऐप्स की बात करें तो सारे एप्लीकेशन सपोर्टेड है, जैसे Amazon प्राइम, Netflix, Hotstar, Google Chromecast और यहाँ Google का वेरीफाइड प्ले स्टोर है जहाँ से और एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। स्टोरेज यहाँ 8GB नेट और 4.5GB अवेलेबल दिया है और 1GB का रैम दोनों में ही है, बट यहाँ एडिशनल MI में उनका खुद का एक ऐप है पैच वॉल जो हायर में नहीं दिया है। अब देखते हैं इनका रिमोट कंट्रोल। तो यहाँ दोनों ही टीवी के साथ में स्मार्ट रिमोट आते हैं। दोनों ही रिमोट में यहाँ गूगल असिस्टेंट का सपोर्ट दिया है। MI के रिमोट को देखें तो स्मॉल साइज़ में है, लुक्स अच्छा है, बट डिसएडवांटेज इसमें यह है कि यहाँ हॉट की दो ही दिया है जिसमें यूट्यूब का ऑप्शन नहीं है जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, और दूसरा इसमें मेन सोर्स का बटन नहीं दिया है। हायर का रिमोट देखें तो थोड़ा सा लॉन्ग है, लुक्स इतना ख़ास नहीं है, बट इसमें ज़रूरत के सारे ऑप्शन मिल जाते हैं और ये भी स्मार्ट रिमोट है। अब इन दोनों की प्राइस रेंज की बात करें तो MI का TV 15,500 से 16,000 के बीच में मिल जाता है और हायर का TV 17,500 से 18,000 के बीच में। MI TV में इंस्टॉलेशन चार्जेस है ₹400 और हायर इंस्टॉलेशन फ्री प्रोवाइड करता है। वारंटी दोनों में 1+1 ईयर की दी गई है, मीन्स 2 साल डिस्प्ले की और 1 साल कंप्रीहेंसिव। तो दोस्तों हमने एक शॉर्ट कंपैरिजन किया है MI और हायर TV का, जो बहुत ही फास्ट सेलिंग प्रोडक्ट है मार्केट में। सो आई होप कि आप डिसाइड कर सको कि कौन सा TV लेना चाहिए। और मैं यहाँ एक टिप दूंगा आपको, जो भी TV आप लो उसका वारंटी ज़रूर एक्सटेंड कर लेना, क्योंकि इनकी लाइफ ज़्यादा नहीं होती है और प्रॉब्लम्स बहुत आते हैं LED TV में। और आपको कोई भी क्वेश्चन हो मुझे कमेंट्स में पूछे और नेक्स्ट किसका कंपैरिजन वीडियो बनाऊँ सजेस्ट करें। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।